गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिडिल स्कूल। सो प्यारे प्यारे बच्चों, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अपना एंशियंट रिलीजन वाला जो चैप्टर था उसको खत्म किया था। लेकिन इस क्लास के अंदर हम क्योंकि वाटर के बारे में सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो वाटर के अंदर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, वो हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। और उसके ठीक बाद में हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको ये माइक्रोबियल डिजीजेस समझाऊंगी। तो बेसिकली इस चैप्टर के बारे में है क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए, तो देखते हैं पहले किस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या भैया हम लोग। ओके, सो मेरे बच्चों, वाटर कितना ज्यादा एसेंशियल है ये तो हम लोगों को सबको पता चल ही गया, दो दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि समझो कि पुराने लोगों को कितना पता था कि भैया पानी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उस पानी को बचाने के लिए कितने अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास में, है ना। और अभी नहीं बनाए हैं, बहुत पुराने मेथड्स हैं। लेकिन अगर फिर भी हम उस पानी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि पानी जो है वो हो रहा है पॉल्यूटेड। तो हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर पॉल्यूशन है क्या, कैसे हो रहा है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या चीजें हैं जो कि इसको लीड कर रही हैं कि हमारा पानी दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। और फिर अगर ये पानी खराब हो ही रहा है तो क्या इसका कोई असर है, अगर है तो किस पर कितना असर पड़ रहा है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। लैगिंग अभी तो नहीं हो रही है भाई, ऐसे मत करो भाई, है ना, अभी तो कोई लैगिंग नहीं हो रही है, ठीक है। चलो अभी क्लास को शुरू करें बच्चे, पहले मैं वाटर पॉल्यूशन पढ़ा दूं आप लोगों को। ओके, एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, वो ये कि लिखने वाली टेंशन नहीं करना बेटा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये यहां पर आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। चलो तो वाटर पॉल्यूशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट केमिकल एंड अदर पार्टिकल्स इन अ वाटर बॉडी और वाटर। तो पानी है ना कितना साफ, इमेजिन करो एक बार, वो आंख बंद करके 5 मिनट सोचो कि एक नदी का किनारा खूबसूरत, मतलब इमेजिन करो, सारे बच्चे इमेजिन करो भाई पहले, है ना, आंख बंद करो और इमेजिन करो एक नदी का किनारा जहां पर तुम खड़े हो और पानी बह रहा है और खूबसूरत पानी है, एकदम क्लीन वाटर, और उसमें बहने से आवाज आ रही है छल 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 छल, ठीक, और चारों तरफ अच्छी अच्छी मीठी मीठी हवा चल रही है, फिर तुम्हें कुछ बर्ड्स जो है उनके साउंड भी सुनाई दे रहे हैं और पानी की मधुर मधुर आवाज आ रही है। अब ये कितना सुंदर कोई एक सीन हो सकता है बेटा, मतलब हम अगर ऐसी जगह बैठे हो तो हमारा तो मन भी नहीं करेगा वापस घर आ जाए, मन करेगा नहीं अभी मुझे यही रहने का। लेकिन उसी सीन के अंदर है ना, सॉरी, अब मैं खूब सारा लाके कचरा डाल दूं भर भर के, प्लास्टिक क्या अभी मेरी आवाज आ रही है, मैम की आवाज आ रही है, इनऑडिबल। तो तुमने मुझे शुरू में क्यों नहीं बताया कि मैम आप सुनाई नहीं दे रहे हो। हे मैम, हाय मैम, तो यहां तक तो ठीक था, फिर एकदम से बंद कैसे हो गई आवाज। अभी रुको, है ना, मैं देख तू एक बार, अभी आया, माय वॉइस इज नॉट कमिंग। देखो जय को तो आ रही है, क्लियर आ रही है, तो ये एकदम से बीच में आवाज को क्या हो गया, हो सकता है बेटा वो टेक्निकल हो चुका है।
आया मेरी बात समझ में? तो हम लोग जब वो पिक्चर बना रहे थे तब तो तुमको समझ में आ रही थी मैम की आवाज? अरे वाह नजरुल, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो सो बेटा, आया समझ में कि क्या हम लोग किस तरह से वाटर को पोल्यूट करें, सारा केमिकल गंदा कचरा पट्टी डाल के। अब ये फिश और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए तो हार्मफुल है, क्योंकि वो तो पानी में ही रहती है, वो तो बाहर नहीं आ सकती बेटा, तो उसके लिए तो हार्मफुल है। बट ये हमारा जो वाटर साइकिल था बेटा, जो परसों मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, उसको भी अफेक्ट करता है, उसको भी नुकसान करेगा। ना तो ढंग से इवेपोरेशन होगा, ना ढंग से बारिश होगी, ना हमारी सॉइल जो है वो अपने आप को रिचार्ज करेगी, ना ही हमारे जो वाटर बॉडीज है बेटा वो रिचार्ज होगी। तो जब हम बोलते हैं कि ये पूरा वाटर पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन कर भी हम रहे हैं बेटा, और उसके बाद में इसका जो सबसे बुरा असर है वो पानी में रहने वाले एनिमल प्लांट को तो है, हमको भी है। ठीक है, मैं यही समझा रही हूं कि पानी के अंदर कोई भी वेस्ट केमिकल या ऐसी चीजें डाल देना जो कि पानी की प्रॉपर्टी नहीं है, यही वाटर पॉल्यूशन है। अब बात करते हैं बेटा कि इनमें जो कॉज है वो क्या है, क्या हम इसके लिए जिम्मेदार है या नेचर भी थोड़ा सा वाटर पॉल्यूशन करती है? सो बेटा नेचर भी वाटर पॉल्यूशन करती है, तो उसमें आता है वॉल्केनिक ऐश, एल्गल ब्लूम, एनिमल वेस्ट और सिल्ट। दिस इज एल्गल ब्लूम, जो कल मैंने आपको क्लास में दिखाई भी थी। मैंने कल आपको कुंड दिखाया था बेटा, और मैंने आपको बोला था देखो ये वाटर बॉडीज अभी सब पॉल्यूटेड है, तो आपने बोला था यस मैम सब ग्रीन हो गई है। सो वो ग्रीन किसकी वजह से हुई है बेटा? एल्गी की वजह से, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से। वॉल्केनिक ऐश, अगर वॉल्केनो कहीं पर भी इरप्ट होता है, अगर जहां पर है, तो उसका लावा बेटा पानी के अंदर चला गया, तो पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एनिमल वेस्ट, कुछ एनिमल पानी के अंदर ही हुए, उसके साइड में सुसु पॉटी करते हैं, वहीं पे मर जाते हैं, ठीक है, और पानी वाला एनिमल तो वहीं मरेगा। तो ये देखो ये मछली है, अब ये पॉल्यूशन है, अभी मछली नहीं है बेटा, ये पॉल्यूशन है। हाँ इट्स नॉट अ ग्रीन वाटर बेटा, बट दैट अपीयर्स ग्रीन। अगर आप हाथ में लेके देखोगे तो ग्रीन है नहीं, बट आपको ग्रीन नजर आएगा, इसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आएगी, आप खड़े नहीं हो सकते हो बिकॉज ऑफ दिस एल्गी। और जब तूफान आते हैं बेटा या फ्लड आता है, तो उसमें आता है सिल्ट। तो सिल्ट क्या है बेसिकली? सिल्ट इज वेरी फाइन सॉइल। बरसात होती है तो हम अपने घर में देखते हैं ना, पानी तो चला गया पर मिट्टी मिट्टी रह गई। मिट्टी कहां से आई? वो मिट्टी नहीं है बेटा, वो सिल्ट है। हाँ हाँ मैं उसी लैगिंग को ठीक कर रही हूं। हाँ जी मैं काई ही कह रही हूं, अभी मैम क्लियर होगी, कोई लैगिंग वैगिंग तो नहीं है। चलो अब हम देखेंगे बेटा ह्यूमन कॉजेस, और ह्यूमन कॉजेस में सबसे पहले पढ़ेंगे सीवेज। सो सीवेज क्या है बेटा? सीवेज इज वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस, हमारे घर से निकलने वाला गंदा पानी बच्चे। तो हमारे घर से जो हमारे किचन से निकलता है, हमारे बाथरूम से निकलता है, वहां से ये गंदा पानी जो है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डाल देते हैं। यूजुअली क्या होना चाहिए? इसको तो ट्रीट करना चाहिए, इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसको साफ करेंगे फिर इसको वाटर बॉडी के अंदर डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते बेटा, डायरेक्ट डाल देते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ग्रो करते हैं। तो हमारे घर का गंदा पानी हमारी ही वाटर बॉडी को क्या कर रहा है बेटा? गंदा। अब उसमें बहुत सारा जो गलती है वो अपनी है भी नहीं। कई लोग अपने घर के बाहर प्रॉपर एक सीवर सिस्टम बनाते हैं जिससे कि पानी निकले अच्छी जगह जाए, बट फिर जो गलती है वो सिस्टम की है, वो कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उसको ट्रीट नहीं करते। और कई लोग जरा से ज्यादा होशियार है, वो तो अपने घर में सीधा नाली का पानी सीधा किसी वाटर बॉडी में छोड़ दिया। कौन इतना पैसा खर्च करे सीवेज सिस्टम बनाए? ये देखो
तो ये गंदा पानी बेटा सीधा पानी कहाँ जा रहा है, मतलब घर से निकलने वाला गंदा पानी सूसू पॉटी वाला, वो सीधा पीने के पानी में जा रहा है और फिर वही पानी हमारे घर में आ रहा है। एल्गी मीन्स ओके, एल्गी एक तरह के प्लांट होते हैं, ठीक है, और एल्गी अच्छी होती है बेटा, जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है ना वहां पर वो ग्रो कर जाती है। बट क्योंकि हम इसके अंदर इतना गंदा पानी डाल रहे हैं ना, तो वहां पर ज्यादा एल्गी ग्रो करेगी बेटा। जरूर से ज्यादा एल्गी अगर ग्रो कर रही है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर है। एक फ्रेश वाटर के अंदर बेटा, बहने वाले पानी के अंदर बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो नहीं करती है, किनारों पे करेगी जहां पर भी वाटर थोड़ा सा स्टैग्नेंट या रुका हुआ होता है, बट बहने वाले पानी में नहीं करेगी बेटा। तो अगर वहां पर भी बहुत ज्यादा एल्गी है, किसी आप पॉन्ड में देखते हो बहुत ज्यादा एल्गी है, गंदा बदबू आ रही है, दैट मीन्स 100% उसके अंदर पॉल्यूशन है। और उसके अंदर पॉल्यूशन किसका है? सीवेज का। और कहां से गंदा पानी डाल देते हैं भैया हम लोग? हम चले जाते हैं अपनी फैक्ट्री को। अब फैक्ट्री के अंदर बेटा वाटर को एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री में मशीन्स होती है, मशीन गर्म हो जाएंगी तो उनको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये गर्म पानी किसी भी वाटर बॉडी में डाल देते हैं, क्या करेंगे तो उसका, और वाटर बॉडी में क्या हो जाएगा? वाटर बॉडी में पानी गर्म हो जाएगा। बेटा 5 मिनट के लिए वेट करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए ना। यस, एल्गी मतलब काई। 5 मिनट के लिए वेट करो, मैं आती हूँ ना, ये लैगिंग थोड़ा सा ठीक करके आती हूँ। ममता मैम, लैग कर रहा है। तो ये केमिकल वाला पानी भी चला जाता है हमारी वाटर बॉडी के अंदर, जिनमें कैडमियम होगा, लेड होगा, और क्या होंगे, आर्सेनिक होंगे, थर्ड हमारे एनिमल फार्म। तो एनिमल फार्म तो अच्छे हैं, वहां पे एनिमल्स को रखा जाता है भाई, बट एनिमल फार्म के अंदर भी तो गंदगी होगी। एनिमल खाना भी खाएगा बेटा, एनिमल को नहलाएंगे भी, एनिमल को सूसू पॉटी सब करेंगे। अब डबल डबल आवाज आ रही है, क्या करूं भैया मैं तुम्हारा? रुको, अच्छा तो मुझे बताना है ना प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों क्या मैम की आवाज आ रही है अभी? बताओ, अब मैम की आवाज आई? गूंज तो नहीं रही, एको तो नहीं हो रहा? तो मैं क्या करूं, माइक थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है। अभी सही है, मैम की आवाज आ रही है? हाँ, डबल आवाज, डबल आवाज, दैट्स नॉट डबल आवाज। कल ही तो तुमको पढ़ाया एको है, डबल आवाज क्या होती है? नाइस, स्विट्जरलैंड जाके आयो, मजे है भैया, बढ़िया, अच्छी जगह ना। तो हम ऐसे क्यों बोलते हैं वहां की रिवर जो इतनी क्लीन है, हम क्यों नहीं रख सकते अपनी रिवर्स को क्लीन? भाई दूसरे देश में जाते हैं हम, वहां देखते हैं और हमको लगता है अरे बाप रे देखो कितना क्लीन वाटर है। तो हम अपने देश में ये सब चीजें क्यों नहीं कर सकते? करनी चाहिए ना हम लोगों को। ओके बेटा, सो ये जो एनिमल फार्म का वेस्ट है जिसमें एनिमल नहाएगा भी, उसको सूसू भी करेगा, पॉटी भी करेगा बेटा, ये भी डायरेक्टली कहां डाल दिया जाता है? वाटर बॉडी के अंदर। तो प्रॉब्लम एनिमल्स में नहीं है बेटा, प्रॉब्लम घर के नहाने में नहीं है। घर में रहेंगे, नहाएंगे भी, पॉटी भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में भी नहीं है, बट उनका जो वेस्ट निकलता है बच्चे, उसको पहले ट्रीट करो ना, फिर उसको वाटर बॉडी में डालो। प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब इस पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। अब हमारे खेत, अब खेती तो करनी है, क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? बट खेतों में हम लोग बहुत ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं बेटा, एज अ फर्टिलाइजर, एज अ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना? नाउ ये जो सारे के सारे केमिकल है, ये कहाँ जाएंगे? ये चले जाएंगे सॉइल में, थोड़े से प्लांट पे आएंगे, कुछ सॉइल में आएंगे,
और फिर आप खेत में डालते हो पानी, क्योंकि आप तो उनको सींचते हो, इरिगेट करोगे, और ये पानी के साथ में बहकर कहां जाएंगे बेटा, वॉटर बॉडी। हर खेत से ये केमिकल वाला पानी निकल के 100% किसी ना किसी वॉटर बॉडी के अंदर जाता ही जाता है, ठीक है। तो ये लेके चला गया हार्मफुल केमिकल। कंस्ट्रक्शन, फ्लड और स्टॉर्म। तो फ्लड और स्टॉर्म तो बेटा हमारे कहने में है नहीं, बट कंस्ट्रक्शन की वजह से जो सिल्ट होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चे, वो बह बह कर कहां पहुंचता है, हमारी वॉटर बॉडी के अंदर, और हमारी वॉटर बॉडी पूरी तरह से क्लॉग्ड हो जाती है, उसका लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि नीचे तो मिट्टी आ गई और ऊपर क्या आ जाएगा, पानी। और यहां पर हमारा ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मछली मरेगी, और मछली मरी तो वो और पॉल्यूट कर देगी। सोचो कितना अच्छा सिस्टम है, वही तो मैं बोल रही हूँ भाई, दूसरे देशों की तो हम कितनी तारीफ करते हैं ना, वहां पे ही है, आप भी बता रहे हो ना मुझे, एक्साइटेड हो गए, मैडम पता है वहां पे ऐसा होता है, मैडम पता है वहां पे ऐसा होता है, बट मैं वही बोल रही हूँ। तो फिर हम लोगों के यहाँ पर नहीं है। फिर चलो ये देखो, हम लोग जाते हैं गंगा, नर्मदा, शिप्रा, है ना, यमुना, और यहाँ पर जाके नहाते हैं, ते पाप धुल जाते हैं इससे, है ना, भगवान क्षमा कर देता है, करने ही क्यों है पाप जिन्हें धोने के लिए जाना पड़े। और फिर ये देखो गणपति बाप्पा को पानी में विसर्जित करते हैं, अभी अभी गया ना गणपति, ठीक है कर दिया, अच्छी बात है, रिलीजियस है, बट ऐसा रिलीजन क्या काम का बेटा जो पानी को खराब कर दे। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियां आजकल कई हद तक जो गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिए, दैट्स अ वेरी नाइस स्टेप, बट कैसे, ये गलेगा ही नहीं, ये डिजॉल्व ही नहीं होता, और फिर ये पीओपी किनारे पे पड़े रहते हैं, गणपति बप्पा जो है किनारे पे टूटे फूटे पड़े हुए होते हैं। आप तो रील्स वगैरह देखते हो, आजकल तो सारे बच्चे रील्स देख रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा इतने बड़े गणपति थे, उनको पानी में हम लोगों ने विसर्जित किया और बेचारे गणपति बप्पा टूटे फूटी हालत में कहां कचरे में पड़े। और ये देखो लाखों करोड़ों लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, कि हम होली रिवर, हमारी गंगा, उसमें जाके नहाएंगे। अच्छी बात है, नहाओ, बढ़िया बात है, नहाओ ना, कितने मैंने धोना किया, नहाओ, पर कपड़े तो मत धो, फूल तो मत डालो उसके अंदर, है ना, कोई लोग दिए डाल देते, गलत है ना, क्यों डाल रहे हो, मछलियों को खाना खिलाएंगे, क्यों खिलाना है मछलियों को खाना, मछली बेटा हमारे भरोसे थोड़ी ना इस दुनिया में आई है, तो ये सब चीजें नहीं करनी। तो ये हमारी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो मुझे ऐसा लगता है कि पानी को पॉल्यूट करती है। गंगा सबसे पॉल्यूटेड रिवर में आ गई बेटा, हम जब ये बोल रहे हैं, एक बच्चे ने ऊपर लिखा मैम जापान में तो नाली में भी फिश है, इतना साफ पानी, तो तुमने सोचा है ऐसा, हमारे तो नदी में इतनी फिश इतनी भी साफ नहीं है, नदी की मछली भी बाहर निकल के बोल रही है क्या कर रहे हो भाई, जिंदा रहने दोगे या नहीं, तो ऐसा क्यों है बेटा, मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, घर को तो सब साफ रखते हैं पर सड़क को भी साफ रखना पड़ेगा ना बेटा। ऑयल स्पिल, नाउ दीज आर प्योरली एक्सीडेंट बच्चे, है ना, कोई किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। हमारे पास में बहुत बड़े बड़े बैरेजेस होते हैं बेटा, बहुत बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं, जिनसे जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम होता है उनको एक देश से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, क्योंकि आप उसको ट्रेन या उसमें नहीं लेकर आ सकते, हेलीकॉप्टर में या प्लेन में नहीं लेकर आ सकते। अब अगर इस शिप का जो आपको यहां पर दिख रहा है इसका एक्सीडेंट हो जाए बाय चांस, हुआ है, या जो ऑयल वेल है, रिफाइनरीज है, उसका एक्सीडेंट हो जाए बेटा, उसमें कोई एक्सप्लोजन हो जाए, तो कितने सारा तेल जो है वो पानी पर आ जाता है, देखो, और तेल पानी पर आ गया, तेल तो गया बट पानी के ऊपर इसने लेयर बना ली, वहां लगेगी आग, तो पानी के अंदर भी जो एनिमल्स है वो मरेंगे। कितना हुआ बेटा, 11 मिलियन गैलन, कहां हुआ था ये, एक्सॉन वाल्डेज, यहां पर एक ये जो टैंकर था ये टकरा गया
कोरल रीफ से, पता ही नहीं चला उसको, जैसे टाइटैनिक टकराई थी ना आइस बॉक्स से वैसे। और ये पूरा तेल भी खेर दिया इन्होंने। एक ऐसा और हुआ वो है डीप वाटर होराइजन। ये एक वेल है बेटा जहां से तेल निकाला जाता है, यहां ब्लास्ट हो गया, लोग तो बहुत मरे और जो तेल का नुकसान हुआ वो अलग, और जो नेचर का नुकसान हुआ उसका तो गिनती ही नहीं है। और तेल को निकालोगे कैसे आप, पानी से निकाल नहीं सकते हम लोग। तो ये सारे कारण है बेटा हमारे पानी को पॉल्यूट करने के। समझ में आ रही मेरी बात? चलो और बताती हूँ तुमको। एसिड रेन, ये हमारे एयर पॉल्यूशन से होती है। जब रेन में आ जाता है HNO3 और H2SO4, ये दोनों एसिड है बेटा, तो ये एसिड पानी के साथ में नीचे आ जाते हैं, है ना। अब जब ये एसिडिक रेन हमारे खेतों में होगी तो फसल खराब, और जब ये पानी हमारी वाटर बॉडीज में जाएगा बेटा तो हमारी लेक, हमारे पॉन्ड सब एसिडिक हो जाएंगे, फिशेज मरेंगी, दूसरे एनिमल भी नुकसान में आ जाएंगे। दैट्स नॉट यमुना एनीमोर, मैं तो कहती हूँ यमुना तो है ही नहीं। लोगों ने बोला सरस्वती जो है वो खत्म हो गई, हम बोलते थे ना त्रिवेणी, कोई अगर यूपी से है तो वो मेरी बात को समझेगा, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और सरस्वती बेटा। तो त्रिवेणी तीन नदियां जहां जाके मिलती है उसे कहते हैं त्रिवेणी, है ना। वहां पर कहते हैं सरस्वती तो खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, अब है ही नहीं, नदी कोई नहीं है सरस्वती। बट मुझे तो लगता है कि एक्चुअली यमुना भी नहीं है, क्योंकि जब भी मैं दिल्ली या आसपास की जगह में यमुना को देखती हूँ मुझे सिर्फ सीवेज नजर आता है। तो मैं तो यही कहती हूँ यमुना है ही कहाँ, ये तो सीवेज है जिसको तुम देख रहे हो, हम बस सोच लेते हैं ये यमुना है। गंगा बची है जो कि हमारी तो नेशनल रिवर भी है, तो उसको बचा ले बढ़िया है, मिलियन गैलन, अब वो वैल्यू तो मैं क्यों निकालू भाई, मेरे को कौन से पैसे देने उसे। अरे वाह नाइस प्रिशा, वेरी नाइस। ऐसी प्रैक्टिसेस बेटा हमारे घर के आसपास भी होती है, मैं सारे बच्चों के साथ में शेयर पहले भी कर चुकी हूँ एक बार, और मैं ये इसलिए बताती हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ना बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस लेकर आते हैं, मैंने खुद ने देखा है। तो हमारे जो बेटा घर के आसपास में गणपति है, जैसे अभी मुझे इसलिए याद आया क्योंकि प्रिशा ने बोला कि हम बहुत छोटे से गणपति लेकर आते हैं और उन्हें घर में ही विसर्जित कर देते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो हमारे जो पूरा कम्युनिटी बेटा वहां पे गणेश जी आए और वो पूरी मिट्टी के बने हुए, है ना, इको फ्रेंडली गणेश जी, जिनको आजकल हम लोगों ने एक नया नाम ही दे दिया है। तो इको फ्रेंडली गणेश जी आए बेटा, और जब उनकी विसर्जित होना था तो उनको वहीं एक बड़ा सा थाल रख के पानी से विसर्जित कर दिया, और वो मिट्टी बन गई, मिट्टी की थे, मिट्टी बन गई, और वो मिट्टी सबको दे दी, जाओ ले जाओ अपने अपने घरों में लगाओ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम भी कर सकते हैं। आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, जैसे प्रिशा ने मुझे बताया, बहुत सारे लोग इतनी ही समझदारी का काम करते हैं, और छोटे बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। तो लोग अपने घर में छोटे से गणेश जी लेकर आते हैं, उनको अपने घर में ही विसर्जित कर देते हैं, और वो जो सॉइल है बिकॉज वो तो नेचुरल है ना, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो हम लोग कर सकते हैं ना ऐसी चीजें। गंगा में नहाने के लिए जा रहे हैं बेटा, ठीक है अच्छी बात है, मैं मना थोड़ा कर रही हूं, मत नहाओ। नदी में तो इतने लोग नहाते हैं, नदी नहीं खराब होती बेटा, पर नदी में कम से कम कपड़े तो मत धो। ऐसे किसी ने थोड़ा बोला कि अपने नहाओ और अपने कपड़े भी धो लो, तो वैसे भी पाप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। नहाओ और आराम से बाहर निकल जाओ, हाथ जोड़ो, अच्छी बात है, नदी को साफ रखेंगे तो शायद हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए हमारे लिए। चलो बच्चों, तो इससे पहले कि मैं तुम्हें इफेक्ट पढ़ाऊं, जो कि आज मैं जरूर जरूर तुमको पढ़ाऊंगी, मुझे बताओ कि कॉजेज में कहीं किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैडम ये समझ में नहीं आया, आप प्लीज मुझे वापस बता दो जल्दी। नो बेटा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ना अंकुश ना बच्चे ना, ओजोन डिप्लीशन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। ओजोन डिप्लीशन की वजह से तो बेटा ये हो रहा है, हम बोलते हैं यूवी रेडिएशन ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट ये जो एसिड रेन है ना ताजमहल इज बिकमिंग येलो पेल, बिल्कुल करेक्ट है, बट आपने दो चीजों को साथ में जोड़ दिया। एसिड रेन इज ड्यू टू
इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, जो इंडस्ट्रीज होती है ना बेटा, फैक्ट्रीज, उनके धुएं की वजह से है। सॉरी अनन्या, अरे प्रिशा कहाँ है मेरे को बताओ तो, एक बच्चा प्रिशा है, हाथ खड़ा करो बेटा प्रिशा, मुझे उसका नाम याद रहता है हमेशा, पता नहीं क्यों। ऑयल विल मेक अ लेयर ऑन द सी बिकॉज, यस शाबाश, ये कौन है, शुंकुश, हाँ नहीं सुनक्ष, ओके सो वी आर बैक। मैम मंजू रोहिला इज प्रिशा, अच्छा ओके हाँ, इसलिए देखो मेरे को इसलिए कंफ्यूजन होता है, तुम लोगों को भी होता है। चलो आई थिंक हम लोग अब आगे बढ़ते बेटा और देखते इफेक्ट क्या क्या होंगे। अब पानी को तो हम लोग वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं, 1% ही तो पानी है, उसको भी हम खराब कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या नहीं होगा फ्यूचर में? फ्यूचर में बेटा नहीं होगा हमारे पास में पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। बाकी तो समुद्र का पानी कहीं जा रहा है, भरा पड़ा समुद्र, बट वो पानी पी नहीं सकते हम लोग, तो पीने के लिए पानी हमारे पास में खत्म हो जाएगा अपकमिंग कुछ सालों के अंदर 100%, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा ऑक्सीजन क्योंकि कम हो जाती है पानी के अंदर, भाई हम एयर ब्रीदर है तो हम तो हवा में जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, लेकिन जो पानी के अंदर है बेटा, जो वाटर ब्रीदर है, वो पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको लेंगे। अब यहां ऑक्सीजन खत्म हो रही है तो फिश तो बेचारी मर ही जाएगी ना, फिश मर गई, अब फिश मर गई तो और पॉल्यूशन होगा, तो फिश को बचाना जरूरी है, तो पानी में ऐसी चीजें ना डालें। बेटा सी का पानी साफ कर सकते हैं बट वो बहुत कॉस्टली है, उसका कॉस्ट बहुत जरूरत से बहुत ज्यादा है, इसलिए रेन वाटर कहां से लोगे? रेन का वाटर भी तो पॉल्यूट हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को मैं 5 मिनट में बताती हूँ बेटा, उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ वाटर बॉर्न डिजीजेस, ये मैं आपको अलग से चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, ये वो बीमारियां है बेटा जो कि वाटर से होती है, वाटर से स्प्रेड होती है, इन्हें वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, जैसे डायरिया, डिजेंट्री, कॉलेरा है ना, और बहुत सारी बीमारियां मैं आपको पढ़ाऊंगी सारी की सारी। तो ये हमारे सीवेज की वजह से भी है, क्योंकि सीवेज गंदा पानी है, घर का गंदा पानी है, सुसु पॉटी सब है उसके अंदर, किचन से वेस्ट निकलता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बल्ले बल्ले करते हैं और ग्रो कर लेते हैं उसके अंदर। इसके अलावा बेटा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी बेटा बहुत सारी बीमारियां होती है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्लास स्टार्टेड बफरिंग, मैम हाँ तो हम लोग समुद्रों को भी खराब कर चुके होते, अच्छा ही है ना उसका पानी खा रहा है, वरना तो खत्म ही हो जाता बेटा। हाँ हाँ मैं मानती हूँ अंकुश, मैं कब कह रही हूँ बेटा ऐसा नहीं है, 100% है, बट इट्स वेरी कॉस्टली ना, रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा कॉस्टली बेटा, हम लोग नहीं कर सकते इतना। ओके बच्चा, मैराइन हैबिटेट, मैराइन का मतलब होता है बेटा जो ओशन की हम लोग बात करते हैं, तो उसको भी तो हम लोगों ने खराब कर लिया, तो वो पूरा का पूरा जैसे केमिकल, एसिड रेन, ऑयल स्पिल जो है वो मैराइन हैबिटेट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, 100% खत्म कर दिया भैया उसको। तो ये सब हमारे कारण है, सॉरी हमारी, ये सब हमारे इफेक्ट है बेटा जो आएंगे किससे, हमारी वॉटर पॉल्यूशन से। अब मैं आपको फूड चेन कंटेमिनेशन समझाती हूँ, लेकिन मेरे ओन तरीके से, क्योंकि मुझे वो बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा मैम क्या बताना चाह रही है।
अब देखो बेटा, ये है हमारा फूड चेन कंटामिनेशन, मैं उधर आगे समझाती हूँ आपको, ज्यादा अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो जो मैंने येलो में बनाया है बेटा, वो हमारा पॉल्यूटेंट है, कोई भी पॉल्यूटेंट जो हम लोगों ने पानी के अंदर डाल दिया है, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। नाउ अब इसे एक छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली ने खाया, और उस मछली को या तो कोई बर्ड खाएगा या फिर ह्यूमन खाएंगे। तो ये जो पॉल्यूटेंट है बेटा, ये इतना ट्रैवल करके हम तक पहुंचेगा, हम तक, बर्ड तक। तो इसे हम लोग बोलते हैं फूड चेन कंटामिनेशन। तो ये फूड चेन है, और इस फूड चेन को हम लोगों ने खराब कर दिया उस पॉल्यूटेंट से। तो ये भी इस वाटर पॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। क्या मेरी बात ड्रॉइंग, आई थिंक, मेरे को लगता है आपको ड्रॉइंग से समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने आपको ये ड्रॉइंग बना के समझाइए। मुझे बताओ फूड चेन कंटामिनेशन समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। स्कॉलरशिप टेस्ट अब नहीं होगा, अभी क्यों होगा स्कॉलरशिप टेस्ट, अब तो अगले साल होगा। हाँ पड़ेगा क्या, नहीं हमें बचाना चाहिए, पड़ेगा नहीं बचाना चाहिए। हाँ सी की फिश खा सकते हैं, क्योंकि फिश के अंदर पानी स्टोर नहीं होता, ऐसा नहीं है फिश काटोगे और उसके अंदर से पानी निकल जाएगा। और वेजिटेरियन लोग ज्यादा खुश ना हो, अरे मैडम हम तो नहीं खाते फिश, फिर हमको क्या मतलब है ना, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन, तो पर मैम हम तो फिश नहीं खाते। तो बर्ड तो है, बर्ड मर जाए कोई बात नहीं, छो पड़ता। तो बच्चे ये भी हमारा एक बहुत बड़ा इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ में हम लोगों ने जो हमारा वाटर पोल्यूशन है उसको कर लिया है खत्म। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे ये जो बीमारियां मैं आपको बता रही थी कि वाटर को पॉल्यूट करेंगे तो बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी, तो ये बीमारियां मैं आपको कल की क्लास के अंदर पढ़ाऊंगी। तो मैं आपको मिलती हूँ कल, टिल देन थैंक यू, जय हिंद जय भारत।